Hello everyone, welcome to SKU Digital Classes. My name is Aastha Jain, Department of Library and Information Science. Today here I am discuss my topic library classification. So firstly, we can discuss what is classification. So classification is a Latin word that means grouping. क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है ग्रुपिंग करना, अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स को, बुक्स को या किसी भी चीज़ को अरेंज करना, समथिंग लाइक ग्रुपिंग करना जैसे लाइकनेस के अकॉर्डिंग, डिवीज़न करना जैसे कि अपनी जो नहीं पसंद है डिसलाइक के अकॉर्डिंग उनको अलग कर देना, तो अपनी जो पसंद की चीज़ें वो अपने आप ही अलग हो जाएंगी। और ऑर्डरिंग कर सकते हैं जैसे कि लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे पीरियोडिकल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, उनको सब्जेक्ट वाइज, टाइटल वाइज, ऑथर नेम वाइज डिफरेंट टाइप से अरेंज कर सकते हैं जिससे कि उनको कभी भी रिट्रीव करने में ईजी हो, कभी भी ऐसा ना हो कि ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाए जिससे कि यूज़र का काफ़ी टाइम वेस्ट ना हो। नाउ वी आर डिस्कस लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, लाइब्रेरी प्लस क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी मीन्स होता है हाउस ऑफ बुक्स एंड क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग करना, डिवाइड करना। सो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ लाइब्रेरी इज कॉल्ड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना, क्लासिफाइड करना, इसे ही हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कहते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है वो नॉलेज क्लासिफिकेशन और बुक क्लासिफिकेशन से मिलकर बनता है। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल होते हैं जो कि काफ़ी टाइम पहले ही इन्होंने क्लासिफिकेशन वर्ड को सर्च किया था, इसलिए फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू W.S. मैरिन, बुक क्लासिफिकेशन इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग बुक्स इन देयर प्रॉपर प्लेस। W.S. मैरिन के अकॉर्डिंग बुक्स को अरेंज करना एक प्रॉपर प्लेस पर, इसे ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। कटर के अकॉर्डिंग बुक क्लासिफिकेशन एक्ट है बुक्स को कंडक्ट करना, उनको सिमिलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए, इसे ही हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या बुक क्लासिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन कहते हैं। नाउ नीड, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है हमें? हर एक चीज़ जब करते हैं तो इसकी एक नीड होती है, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ हैंडपुन सीक्वेंस। अगर बुक्स को अरेंज करेंगे एक प्रॉपर मैनर में तो हैंडपुन रहेगा किसी भी बुक को ढूंढना, उसको सर्च करके यूज़र को प्रोवाइड कराना। वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लिटरेचर, लाइब्रेरी में डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप का लिटरेचर होता है, अगर उसको एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करके रखेंगे तो उसे रिट्राइव करना वेरी इजी हो जाएगा। और सेव द टाइम ऑफ यूज़र्स, अगर लाइब्रेरी में सारे डॉक्यूमेंट्स, बुक्स या फिर डिफरेंट जो भी मटेरियल है उसको एक प्रॉपर मैनर में या सब्जेक्ट वाइज किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं तो उससे यूज़र का टाइम सेव होगा, क्योंकि अगर एक प्रॉपर मैनर में बुक्स रखी होंगी तो हमें भी इजी होगा बुक्स को ढूंढना और फिर यूज़र को प्रोवाइड कराना। टू रिवील स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कनेक्शन, अगर बुक्स या डॉक्यूमेंट्स एक प्रॉपर मैनर में अरेंज हैं तो हमें ये पता चलेगा कि लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं या हमारा कनेक्शन किस टाइप का है। अगर अरेंज होने के बाद ये देखें कि बुक्स का कनेक्शन काफ़ी बेटर है तो आप ये स्ट्रेंथ है, अगर कनेक्शन में कुछ कमी है कि जो बुक्स होनी चाहिए वो बुक्स ना हो के अदर ऐसी बुक्स हैं जो यूज़फुल नहीं है ज़्यादा, तो वो हमारी वीकनेस है। टू हैंड पिन सिस्टमेटिक रिविज़न एंड एडिशन ऑफ द स्टॉक, अगर इससे स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी तो ये भी कर पाएंगे कि कौन सी बुक्स को ऐड करना चाहिए या फिर कौन सी बुक्स को वीड आउट कर देना चाहिए। ये सब कुछ क्लासिफिकेशन से ही हम समझ पाएंगे, क्योंकि अगर बुक्स सारी इकट्ठी रखी होगी एक प्रॉपर मैनर में अरेंज नहीं होगी तो हम ये कभी समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी बुक्स चाहिए या कौन सी बुक्स को अलग कर दें। तो इसलिए इससे हमें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और कौन सी बुक्स चाहिए है, किसको, किस यूज़र को, किस सब्जेक्ट की, किस टाइप की बुक चाहिए है, तो वो सब कुछ हमें सिर्फ लाइब्रेरी के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही पता चल सकता है।
नाउ इम्पोर्टेंस क्या है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की सर्कुलेशन में. सर्कुलेशन सेक्शन में जैसे डिफरेंट वर्क्स होते हैं, इशू करना, रिटर्न करना, रिपोर्ट बनाना, फाइन और रिन्यू करना. अगर लाइब्रेरी का कंडक्शन एक अरेंजमेंट में जैसे कि सब्जेक्ट वाइज है या क्लास नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है या ऑथर नेम के अकॉर्डिंग या टाइटन के अकॉर्डिंग अरेंज है तो इशू करना, रिटर्न करने में बहुत ईजी हो जाएगा और रिपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्योंकि स्टॉक वेरिफिकेशन में रिपोर्ट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. रिन्यू करने में बहुत ईजी पड़ेगा क्योंकि अगर बुक्स पता होगी कहाँ है तो फास्टली उठाकर स्टूडेंट्स को दे देंगे, इशू कर देंगे. अगर पता ही नहीं होगा कि बुक कहाँ रखी है, एक समथिंग लाइक ढेर पड़ा है बुक्स का, तो उसमें से कहाँ ढूंढोगी कि कौन सी बुक्स है, कौन सी देनी है, कौन सी नहीं देनी है. अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज एंड कैटलॉग, जैसे ओपन एक्सेस सिस्टम होता है इन लाइब्रेरीज में तो उनमें कैटलॉग बनाना होता है. अगर बुक्स अरेंज होंगी तो कैटलॉग में एंट्रीज बनाना काफ़ी ईजी हो जाएगा. अगर अरेंज ही नहीं होंगी तो कैटलॉग के लिए एंट्री बनाने में काफ़ी डिफिकल्टीज होती हैं. स्टॉक वेरिफिकेशन करना ईजी हो जाएगा क्योंकि अगर बुक्स एक प्रॉपर मैनर में अरेंज हैं तो बुक्स को काउंट करना या फिर किसी भी स्टॉक वेरिफिकेशन की स्कीम के अकॉर्डिंग बुक्स को स्टॉक वेरीफाई करना बहुत ईजी हो जाता है. डॉक्यूमेंटेशन सर्विस टू टाइप्स की होती है, एक्टिव और पैसिव. दोनों ही सर्विसेज देने में बहुत ईजी होगा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के थ्रू. लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की डिफरेंट स्कीम्स होती हैं. फर्स्ट DDC, दैट इज डिविडेसिमेंट क्लासिफिकेशन बाय मैनविन डी, जो कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वर्ल्ड के. इन्होंने DDC स्कीम 1876 में दी थी. देन आई एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, ये CA कटर ने प्रोवाइड कराई थी 1891 में. देन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड हर्बर्ट पुटनम ने दी थी 1901 में. नाउ UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये पॉल डॉटनेट और हेनरी द फॉन्टेन ने 1905 में आफ्टर FID फाउंडेशन के बाद पॉल डॉटनेट और हेनरी फॉन्टेन ने UDC ने बनाई 1905 में. FID बना था 1895 में. उसके बाद इन्होंने UDC पर वर्क किया जो कि DDC के 5th एडिशन पर बेस्ड है. नाउ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये JD ब्राउन सर ने दी है 1906 में. CC कंटेंट क्लासिफिकेशन, ये इंडिया की बेस्ट स्कीम है, बेस्ट क्लासिफिकेशन स्कीम जो इंडिया के साइंटिस्ट ने ही दी है, डॉक्टर SR रंगनाथन ने, जो कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इंडिया के. इन्होंने ये स्कीम 1933 में दी. फिर आई बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो कि HE सर ने दिए 1935 में. देन राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, FM राइडर सर ने दी 1961 में. BSO ब्रॉड सिस्टम ऑर्डरिंग, ये यूनिसिस्ट जो कि यूनाइटेड नेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और FID ने दोनों ने मिलकर 1978 में ये स्कीम प्रोवाइड कराई. अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट. यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सब्जेक्ट को किस टाइप से कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्टली डिकोटॉमी, इसमें सब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजी हो गया, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे जूलॉजी और बॉटनी. ये इसकी कैटेगराइजेशन है कि एक सब्जेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना. इसलिए डाइकोटॉमी में टू पार्ट्स में डिवाइड करके सब्जेक्ट को देखा जाता है. और डिकोटॉमी, जैसे कि इसमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल DDC में सारी जो सब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, उनको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सर मैनविन डी ने DDC में 3 समरी बनाई हैं जिसमें उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पॉलीकोटॉमी डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में, सो मैनी पार्ट्स में डिवाइड करना सब्जेक्ट को,
इसमें पॉर्निकोटॉमी स्कीम ऐसा रंगनाथन जी ने सीसी में अप्लाई की, जिसमें इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स हो गए, अल्फावेट्स हो गए, साइन हो गए, सिम्बल्स हो गए, इन्होंने काफ़ी सारी साइन सिम्बल्स का यूज़ किया है सीसी में। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने कितने टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि बेसिक सब्जेक्ट, एक प्रॉपर फन सब्जेक्ट जो होता है जिसमें कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, उसे हम बेसिक सब्जेक्ट कहते हैं, जिससे मिलकर आगे के सब्जेक्ट बनते हैं। बेसिक सब्जेक्ट में जैसे कि लाइब्रेरी साइंस हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सारे सब्जेक्ट ये बेस होते हैं किसी अदर सब्जेक्ट को बनाने के लिए। कंपाउंड सब्जेक्ट जो बेसिक सब्जेक्ट से मिलकर बनते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर ऑफ राइस इन इंडिया, इसमें दो आइसोलेट होते हैं, राइस और इंडिया, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ये एग्रीकल्चर से मिलकर बना है और एक ये ज्योग्राफी से मिलकर बना है, इसलिए ये दो बेसिक सब्जेक्ट से मिलकर बना है, इसलिए इसे कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो बेसिक सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट दोनों से मिलकर बनता है, उसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। स्टैटिक्स फॉर लाइब्रेरीज, स्टैटिक और लाइब्रेरी दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, दोनों से मिलकर एक सब्जेक्ट बना है। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोफिजिक्स हो गया, इन सब से मिलकर बनते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये जैसे कि ब्रॉड डेप्थ नॉलेज के लिए बनाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के लिए बेस बनाते हैं, बेसिक सब्जेक्ट से मिलकर ही कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है, इसी से मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, थैंक यू सो मच।